नाओ डी ए स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्पोर्ट के किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज को इंस्टीट्यूट्स को आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन सपोर्ट देती है कैसे प्रोफेशनल लोग प्रोड्यूस करती है प्रोफेशनल लोगों को कैसे ट्रेनिंग देती है कैसे उन लोगों को गाइड करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाती है ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसीेशन स्पोर्ट डिवीजन प्रोवाइड्स क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट कंसल्टेंसी एंड एडवाइस विच विल एनेबल यूर प्लान डिवेल्प एंड डिप्लॉय स्ट्रेटीज नीड यू टू इम्प्रूव बिजनेस अल्टीमेटली परपज़ आपका टू इम्प्रूव बिजनेस है टू इंक्रीज सेल वाली मै टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या टू इनहांस प्रोफिटेबिलिटी है उसके लिए एग्जैक्टिव की ट्रेनिंग एग्जैक्टिव की कपैसिटी बिल्डिंग कैपैसिटी डिवेलपमेंट ये सारा काम आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन का है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन पॉलिसीज ये आपकी पॉलिसीज़ हैं क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियादी मकसद ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो काम करना जानती है काम को एग्जीक्यूट करना जानती है काम को मैनेज करना जानती है तो वो अच्छे तरीके से काम ले भी सकती है सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एवरी मेंबर शैल बी एनटाइटल्ड टू एन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम द एसोसिएशन रीजनल सेक्रेटेरियट आर फ्राम दी हेडकुआटर जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होंगी या जिन्होंने सर्टिफिकेशन जिसकी ली होगी उनके जो मेंबरशिप होगी वो एंटाइटल्ड है कि उनको बकायदा सर्टिफिकेट इशू किया जाए और वो सर्टिफिकेट वहाँ डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने डिस्प्ले सेंटर में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेम्बर ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है कि मैंबर बन गए मेबरशिप मिल गई ट्रेनिंग हो गई अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैंबर की गिव प्रायरिटी टू द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ इम्प्लाईज इम्प्लायर एंड अदर वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टेक होल्डर इन अकॉर्डेंस विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल एंड लीगल बिहेवियर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि एम्प्लायर एम्प्लाई मिल के एक रिलेशनशिप डिवेल्प करें जो कि एक फैमिली का रिलेशनशिप हो ताकि जनरल तौर पर हर इम्प्लाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे आई हैव टू परफॉर्म टास्क और ये वो टास्क होंगे जिनकी ट्रेनिंग आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से मिली होगी ताकि उसकी मेंबरशिप जो सर्टिफिकेशन आप ले चुके हैं मेंबरशिप की उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो सके एंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड मेंबर्स ऑफ द एम्प्लाई एम्प्लायज एंड अदर वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी स्टेक होल्डर एनश्योर मेंबर्स डोंट एंगेज इन एनी इीगल और इम प्रॉपर प्रैक्टिस वो एक्टिविटी जो इन है जो कि लाफुल नहीं है या प्रॉपर नहीं है जो कि लेजिटमेट नहीं है जिसको आप समझते हैं कि ए मॉडल है यू शुड अवॉइड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज और ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा भी होती हैं मेम्बर शुड इम्प्रूव ऑन जनरल स्किल एंड नॉलेज ऑन ग्लोबल आकोपेशन सेफ्टी हेल्थ बेस्ट प्रैक्टिस ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉडर है कि वट इज़ गोइंग ऑन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी मैं बात कर रहा हूँ अब जब आप दुनिया की प्रैक्टिस को देखेंगे फिर उसके बाद अपने कंट्री की प्रैक्टिस को देखेंगे फिर अपने स्टेट की प्रैक्टिस को देखेंगे फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्स की या सिटी की तो इस तरह आपको मालूम होगा कि वाट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको हम कहते है, हैं जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेम्बर्स टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू एनशोर दैट क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटीज आर व्यूज आर नॉट मिसरिप्रजेंटेड बाई अदर आपके जो व्यूज हैं मस्ट बी क्लियर अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मस्ट बी रिटर्न स्पेसिफिक वेल शेयर्ड वेल कम्युनिकेटेड वेल ऑर्गेनाइज्ड ये चीज़ें जब होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके इम्प्लाई को वही मालूम होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ डिवेल्प करना चाहती है डिलीवर करना चाहती है ये स्टूडेंट्स अब ये जो स्लाइड है अगर इसके ऊपर आप फोकस करें तो इन्होंने जो हेलमेट पहने हुए हैं ड्रेस कोड पहना हुआ है और ये वर्किंग कर रहे हैं ये बेसिकली एग्जीक्यूशन है उन सब प्लान की जो कि आर्गनाइजेशन की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने डिवेल्प की है और ये लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपनी तरफ से उसमें वैल्यू एड कर रहे हैं ताकि इनके जो प्रॉपर रिजल्ट्स हैं वो हासिल हो सके